सितंबर 2017 में मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था। इसमें तत्कालीन कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री के पद से राजीव रूड़ी को हटा दिया गया था। इस पर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा था कि बॉस हमेशा सही होता है, द बॉस इज ऑलवेज राइट, और बॉस को अपने अच्छे कार्यों को बताने में मैं नाकाम रहा। जाहिर है रूड़ी ने अपनी पीड़ा अपने इस बयान के जरिए जाहिर की थी। हालांकि इस बार संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वह एक बार फिर से मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूड़ी ने एक कठिन मुकाबले में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को 1,36,351 मतों से हराया है। इससे पहले वर्ष 2014 में भी उन्होंने 16वें लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को हराया था। पिछली बार राबड़ी देवी को हराने के चलते उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। राजीव प्रताप रूड़ी पार्टी के विश्वस्त हैं। इस बात के संकेत तभी मिल गए थे जब वह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें दिसंबर 2018 में पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया था। जाहिर है एक बार फिर मंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी सबसे आगे है। दरअसल रूड़ी पीएम मोदी के भी काफी करीबी लोगों में से एक हैं। वहीं बात की जाए तो बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, आर के सिंह, गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव का भी मोदी कैबिनेट में आना लगभग तय लग रहा है। हालांकि इस बार लग रहा है कि फिर से राधा मोहन सिंह को मौका नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि राधा मोहन सिंह का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, उनका विभाग काफ़ी पिछड़ रहा है, जिसकी वजह से किसान मोदी सरकार से दूर होते जा रहे हैं। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि राधा मोहन सिंह के अलावा अश्विनी चौबे का विभाग भी इस बार रोक दिया जाएगा, मगर चुनाव में जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में अश्विनी चौबे ने जीत हासिल की है और अपने दावे को स्पष्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार में एक बार फिर से उनका मंत्रिमंडल तय लग रहा है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में राजीव प्रताप रूड़ी के अलावा कौन वो चेहरे हैं जिन्हें फिर से मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। बने न्यूज़ बिहार पर, खबरें इसी तरह से चालू रहेंगी। और अगर आपको इस तरह की खबरें प्राप्त करनी है अपने मोबाइल पर, वो भी फ्री में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो जहां रहिएगा वहीं खबर आपको मिल जाया करेंगी। धन्यवाद।